अपने दो दिवसीय विजिट पे जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पे आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, चाक चौबंद है और बहुत ही सख्त अरेंजमेंट है यहां पे सिक्योरिटी के, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं यहां आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी और संघ के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और लगभग 11:30 बजे यहाँ से वो निकलेंगे। जो विजय संकल्प सम्मेलन है उनका आज एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और जिस तरह से उन्होंने पहले ही वाजे कर दिया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और वापस नहीं आ सकता है, तो आज जम्मू कश्मीर की जनता को वो संबोधित करेंगे और बीजेपी के कैंपेन को तेजी देंगे, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद बड़े नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, वो भी कई जनसभाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में संबोधित कर सकते हैं। तो बीजेपी की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता तक पहुँचना है। विभिन्न इलाकों में ये रैलियाँ होने वाली हैं और उम्मीद है कि आज की रैली में भी अच्छे खासे लोग जुटेंगे, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग्स हैं वो कई अहम खास मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कर रहे हैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जम्मू में, और एक रणनीति और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी आने वाले दिनों के लिए, ताकि बीजेपी इस बात को सुनिश्चित बना सके कि अगली गवर्नमेंट में बीजेपी की एक अहम भूमिका हो सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और सीधे रुक कर लेते हैं राजन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आज गृह मंत्री के दौरे का दूसरा दिन है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद एक बड़ी रैली को कोई इस तरह से आज संबोधित करने जा रहा है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, कितने बजे वो रैली होनी है, किस तरह से इंतजामात वहां पर किए गए हैं, लोग कितने जुट सकते हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे मंच पर उनके साथ नजर आ सकते हैं आज? देखिए जासमीन, हालांकि ये विजय संकल्प सम्मेलन जो है इसमें वर्कर्स के साथ मीटिंग है, लेकिन अच्छा। हमें ये बताया गया है काफी लोग भी काफी संख्या में उस वेन्यू में जुटे हैं और जिनके आने की संभावना है, क्योंकि हर कोई गृह मंत्री अमित शाह को सुनना चाहता है और आज एक नई गति, एक नई तेजी जो है बीजेपी के पोल कैंपेन को आज मिलेगी। और जिस तरह से अब मीटिंग जो है कुछ हो रही है, जहां मैं मौजूद हूँ जासमीन, ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है जहां पे इस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले ही यहां पे कुछ बीजेपी के नेता और पुलिस के भी सीनियर ऑफिशियल्स एडीजी जम्मू अनंत जैन यहां पे पहुंचे और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के चाक चौबंद जो प्रबंध हैं वो आसपास यहां किए हुए हैं। और यहां पे 11:30 हमें बताया गया है यहां से गृह मंत्री अमित शाह वेन्यू जो रैली वेन्यू है वहां निकलेंगे और लगभग जो है यहां से 15 से 20 मिनट का रास्ता है और 15-20 मिनट में वहां पहुंचेंगे, तो लगभग 12:45 बजे तक जो है वो उस वेन्यू तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। जिसके बाद वो अपने वर्कर्स को जो है संबोधित करेंगे और उनको गियर अप करेंगे और उनको बताएंगे कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर उनको जनता के बीच में जाना है और अपने इस पोल कैंपेन को बहुत ही तेज करना है। बहुत ही अहम ये विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, तो अपने आप में बहुत ही अहम होने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और ऐसे कई बड़े नेता भी जो है वो जम्मू कश्मीर आने वाले हैं, विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में आज व कल भी कई मीटिंग्स जो हैं वो बीजेपी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हुई और आज तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, जिसमें जी किशन रेड्डी जो इलेक्शन इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, उसके साथ रविंदर रैना हैं और साथ ही राजन, जिस तरह से लगातार बैठकों का सिलसिला केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जारी है, बीते कल भी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उससे पहले भी आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन है, आम जनता को जोड़ा जाएगा वो बात अलग है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए ये सम्मेलन है, शाम को फिर महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि बीजेपी इन चुनावों को लेकर कितनी सीरियस है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा साख का सवाल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरह से भाजपा ने दावे किए हैं या भाजपा ने जिस तरह से वहां पर ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारा परिदृश्य वहां पर बदला हुआ है डिलिमिटेशन के बाद, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि मैसेज इंटरनेशनली दिया है भाजपा ने। क्योंकि 10 साल के बाद ही हाँ
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बहुत ही अहम चुनाव है भाजपा के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 एडवोकेट किया गया। हाँ। उसके बाद ये बताया गया कि 370 के बाद काफी विकास यहाँ हुआ है, और जब जो टूरिज्म है वो खास उस पे फोकस दिया है बीजेपी ने, कि ये कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी अब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, और वही निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के। आज भी वो आर्टिकल 370 पे लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अब जो आर्टिकल 370 है वो इतिहास बन चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां आज भी ये कहती हैं कि यदि वो आएंगी तो इसको रिस्टोर करेंगी। और वही निशाना उन्होंने इस बात पे भी साधा है कि जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि जो ओबीसी समाज है, जो रिजर्वेशन की बात जो की गई है यहाँ पे, उसको भी उन्होंने कल निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, कि वो उसको खत्म करने की यदि कोशिश करते हैं या उसको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं तो भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। तो एक बड़े वोट बैंक की तरफ जो है उनका एक संकेत था कि उनको यह बताया गया कि आपको जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं उसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो कल ही उन्होंने निशाना साधा है वोट बैंक पे, और यहाँ पे ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज के भी काफी जो लोग हैं, वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उसको भी उन्होंने संबोधित किया और नेशनलिस्ट फोर्सेस को संबोधित किया है कि 370 एडवोकेट करके जो भारत का अभिन्न अंग हमेशा से जम्मू कश्मीर रहा है, आगे भी रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट फोर्सेस उनको भी इकट्ठा करने का काम किया, ओबीसी समाज एससी एसटी समाज को भी कहीं ना कहीं वहां से संकेत दे दिया कि आपको जो प्रावधान दिए गए हैं, आपको जो बेनिफिट दिए गए हैं, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ जो 25 पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो दिए गए हैं, और उस पर भी फोकस रहेगा कि वो 25 पॉइंट भी आज वो वापिस जो है वो उसके उस पर बात हो सकती है जब वो अपने वर्कर्स को संबोधित करेंगे कि किस तरह से इन 25 पॉइंट को लोगों के बीच में ले जाना है, और जो काम हुए हैं आर्टिकल 370 एप्लीकेट होने के बाद वो लोगों तक गिनवाने हैं। क्योंकि कल मैनिफेस्टो जो रिलीज किया गया है, तमाम वो जो पॉइंट्स हैं वो बातें हैं वो उस मैनिफेस्टो में मौजूद हैं, और उस मैनिफेस्टो को किस तरह से तक आम जनमानस तक ले जाना है आने वाले कुछ ही दिनों में, उस बात पे भी आज स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। जी जस्मीन, ठीक है राजन, आप नजर बना के रखें आज किस तरह से रहती है एक्टिविटीज, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के पलौरा इलाके में मन्हास मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। करीब 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज ये पहली बड़ी रैली होने वाली है। हालांकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन एक तरह से है जिसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जुटने के लिए कहा गया है, लेकिन आम जनता भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। आम लोग भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए आ सकते हैं। बीते कल भाजपा ने अपना संकल्प पत्र यानी कि अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी किया जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में उस मैनिफेस्टो को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, उन वादों को जनता तक किस तरह से पहुंचाना है, और धरातल पर उस मैनिफेस्टो को, उस घोषणा पत्र को कैसे भाजपा उतारेगी, उन वादों का कैसे क्रियान्वयन करेगी, इसको लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है। बैठकों का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं जम्मू, लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, और आज ये एक बड़ी रैली जिसे संबोधित करने वाले हैं, जहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पलौरा में ये रैली होगी अमित शाह की। 11:30-12 बजे के आसपास का समय है जब रैली स्थल पर अमित शाह पहुंचेंगे। कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर में पहले से ही मौजूद हैं। जी किशन रेड्डी, राम माधव, साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्योंकि सांसद हैं उधमपुर से, जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हैं जो नौशेरा से खुद उम्मीदवार हैं, राजौरी से। तमाम चेहरे, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे, और विधानसभा चुनाव क्योंकि 10 सालों के बाद हो रहा है, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। होम मिनिस्टर अमित शाह थोड़ी देर के बाद यहाँ इस ग्राउंड में पहुंचेंगे। ये मन्हास ग्राउंड है पलौरा का, यहाँ पे पहले भी वो रैली कर चुके हैं जब लोकसभा इलेक्शंस थे, और उसके बाद अब यहाँ आज फिर एक बार वो एक रैली को एड्रेस करने जा रहे हैं, पब्लिक रैली को, जो तकरीबन 12 बजे के करीब ये रैली जो है उसमें वो एड्रेस करेंगे। और जो अरेंजमेंट्स हैं अभी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड के आसपास जो
सिक्योरिटी अमला है, एक खासी तादाद में डिप्लॉय किया गया है। रोड जो रैली तक आते हैं उनको ब्लॉक किया गया है, सिर्फ पैदल चलने की इजाज़त है। और अगर हम इस रैली की बात करें, देखिए जो कल मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, उसके बाद अब अमित शाह आज की रैली में भी जो कल उन्होंने बातें की उसी को दोहराएंगे। और जो मेन जो एजेंडा है पार्टी का, और आप देख सकते हैं ये जो आप बैनर्स में भी देखते हैं कि शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, इस नारे के साथ, इस एजेंडे के साथ जो बीजेपी है वो असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रही है। अभी बहुत सारे और कार्यक्रम हैं जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर का एक रैली भी है जल्द ही किश्तवाड़ में कहा जा रहा है। अगर हम अमित शाह की बात करें तो कल शाम को जब उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी अपने दम पे यहाँ पे सरकार बनाएगी, बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बगैर बाकी जितनी पार्टी हैं उनका हम साथ ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कोर कमेटी मीटिंग ली, उसके बाद सीनियर लीडर्स के साथ मिले वो शाम को, और आज सुबह भी उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें की जो अपने वर्कर हैं पार्टी के उनके साथ। और अब रैली में वो क्या बात करते हैं, किस तरह से, और जाहिर तौर पर वो अपोजिशन को निशाना बनाएंगे, राहुल गांधी पर निशाना बनाएंगे, लेकिन क्या क्या बातें करते हैं और किस तरह से मंत्र देते हैं पार्टी वर्करों को आगे चल के, जो असेंबली इलेक्शन बहुत क्रूशल इलेक्शन हैं, वोटिंग में अब कोई दिन नहीं रह गए हैं, तो उसमें वो किस तरह से अपना जो एक मंशूर है और एक अपनी सोच को किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि बीजेपी यहाँ से जीते, उसका वो ज़रूर जिक्र करेंगे। और सबकी नज़रें इस रैली के इस स्पीच पर रहेंगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे और जम्मू